बट फिर भी अच्छी है क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये जो कैबिनेट है, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। मैं रजत वेदी फ्रॉम जेट लैब टेक्नोलॉजीज। एंड गाइस, आई होप ये फेस्टिव सीजन को आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया है हमारे दिवाली के डिस्काउंट्स एंड सेल्स के ऊपर, कि हम लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एंड दिवाली के अंदर भी हम लोग आपके पीसी बिल्ड्स करने में बिजी थे, एंड उनमें से ही एक पीसी है जो हमारे कस्टमर मिस्टर जयेश मोरे ने ऑर्डर किया हमारी वेबसाइट के ऊपर ही, एंड वो बिलोंग करते हैं वन सेकेंड फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। एंड उनके पीसी बिल्ड बजट की वैल्यू है अराउंड 80,000 रुपये। मतलब 80,000 रुपये के अंदर उनको एक ऐसा पीसी बिल्ड करना था जो कि मल्टीपल कामों के लिए यूज़ हो जाए, गेमिंग भी हो जाए, एडिटिंग भी हो जाए, नॉर्मल पीसी की जो यूजेज होती है, इंटरनेट यूजेज या स्ट्रीमिंग भी इनफैक्ट वो करना चाहें तो इस पीसी के अंदर कर सकें। तो कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं इस पूरी यूटिलाइजेशन को पूरा करने के लिए, एंड एक्चुअली में क्या क्या एंड क्या क्या कंपैटिबिलिटी बैठी है, सब चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से इंट्रो के बाद। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे दिवाली डिस्काउंट्स का फायदा नहीं उठाया है तो 18th नवंबर तक ये सेल्स एंड डिस्काउंट्स चलने वाले हैं, तो उतना टाइम अभी आपके पास है कि आप इसको यूज कर पाओ और बेहतरीन डिस्काउंट्स के अंदर अपना पीसी बिल्ड कर पाओ। तो टॉकिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, यहां पर जो लगा है प्रोसेसर की बात कर लें, वो है इंटेल का i5-12400F प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है, एंड 80,000 रुपये का पीसी बिल्ड बजट है। तो उसके अंदर गाइस मिनिमम ये होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पता नहीं क्यों डोल रहा है इतना ही है। इसके साथ एक कूलिंग फैन, मतलब कि एक स्टॉक कूलर वो आता है, हमने वो नहीं लगाया जैसे कि देख रहे हो, हम लोगों ने आफ्टर मार्केट कूलर लगाया, बट अगर आप चाहो तो वो वाला फैन भी इसके साथ लगा सकते हो, डिसेंटली परफॉर्म करता है। बट अगर कुछ आपकी हाई एंड यूजेज है, कुछ ज्यादा घोड़े दौड़वाने हैं अपने पीसी के, तो भाई स्टॉक कूलर मत लगाना, आफ्टर मार्केट एयर कूलर लगा लेना, जैसा कि हम लोगों ने लगाया यहाँ पर डीपकूल का AG400 LED वर्जन, मतलब कि RGB वर्जन है। इसके रंग आप नहीं बदल सकते, अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग लाना चाहते हो तो ARGB लेके आ रहना, LED मत लेना, LED मतलब ऑटो RGB वाला इसमें कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो हम लोगों ने आफ्टर मार्केट कूलर लगा दिया, हालांकि इसके हिसाब से जस्ट एप्ट है, ज़्यादा हाई एंड कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ती इंटेल i5-12400F के साथ। हालांकि अगर आपकी जेब में बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको पैसा खर्च करने का मन कर रहा है, तो भाई तब आप खर्चा कर सकते हो। ये वाला कूलर जो है 17-1800 की रेंज में आता है, आप चाहो तो 5,000 का भी ले लो, 10,000 का भी ले लो, आपकी अपनी बजट के हिसाब से जैसे लुक्स आपको चाहिए अपने पीसी के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है लेटेस्ट MSI का Pro B760MA Wi-Fi DDR4 मदरबोर्ड, जो कि 4 डिस्प्ले ऑप्शंस के साथ आते हैं। हालांकि डिस्प्ले इस वाले सेटअप के साथ किसी काम के नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यूज़ किया है F वेरिएंट का प्रोसेसर, एंड F वेरिएंट के प्रोसेसर के साथ इंटरनल ग्राफिक्स नहीं होते, मतलब कि इंटर के जो UHD 730 वाले ग्राफिक्स हैं वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे। इसमें आपको अगर वैसे वाले ग्राफिक्स चाहिए तो नॉन F वाला वर्जन चाहिए होता है। तो हालांकि बोर्ड काफ़ी अच्छा था, VRM सेक्शंस डिसेंट हैं, इस प्रोसेसर को हैंडल कर सकते हैं, तो हमने इसीलिए इस मदरबोर्ड को यूज़ कर लिया है। DDR4 मदरबोर्ड है तो रैम भी DDR4 ही होनी चाहिए। T4 की वल्कन Z 8 GB की 2 स्टिक्स यूज़ हुई हैं, क्लॉक डैट 3200 MHz। मदरबोर्ड में कैपेसिटी 128 GB तक की रैम लगाने की है, बट हम लोगों ने नहीं लगाई क्योंकि बजट कम था और अभी फिलहाल यूजेज की इतनी नहीं थी नीड, तो उस हिसाब से टोटल 16 GB रैम यहाँ पर लगी है। स्टोरेज की बात कर लें तो यहाँ पर टोटल 1.5 TB, मतलब कि 500 GB की तो आपकी लगी है XPG की SX6000, जो कि 512 GB की Gen 3 NVMe SSD है, और 1 TB की गाइस हार्ड डिस्क लगी है, जो कि इस पीसी बिल्ड में अदृश्य है, पीछे छुपी हुई है बट लगी जरूर है। तो उसकी कुछ दिखाने के लिए खाली डब्बा भी नहीं होता तो मैं आपको दिखा देता, इसमें लगी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद बात कर लें ग्राफिक कार्ड की, तो GB का RTX 3060 Windfoss OC है, 12 GB वेरियंट है, 4 डिस्प्ले ऑप्शन के साथ आता है, एंड जस्ट एम्पल है, एम्पल आउट ऑफ स्पीड है एक्चुअली में। इसकी परफॉर्मेंसेज आपको स्ट्रीमिंग करा सकती है, अच्छे लेवल पर गेमिंग करा सकती है, मतलब 1080p या 2K लेवल की एंट्री लेवल गेमिंग भी आप इस ग्राफिक कार्ड के साथ कर सकते हो। तो इसकी परफॉर्मेंसेज जस्ट एप्ट हैं आपके इस पूरे पीसी बिल्ड को, अच्छा पीसी बोलने लायक है अगर आप 3060 12 GB वाला लगा लोगे तो। पावर सप्लाई की बात कर लें तो यहाँ पर GB की लगी है 650 वाट की ब्रॉन्ज रेड पावर सप्लाई, करंट मार रहा है, 650 वाट की ब्रॉन्ज रेड पावर सप्लाई, जो कि इस पीसी को चलाने के लिए ऐप है,
इतनी ज्यादा हाई पावर यूजेज नहीं होती है। अगर देख लें तो 300-350 वाट के ऊपर ये पूरा सेटअप नहीं ले रहा, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड हम लोगों ने 650 यूज की है कि कल को कस्टमर जो JSG हैं उनका मन करे कि भाई कुछ ना कुछ अतरंगी करना है, ग्राफिक कार्ड हैवी लगाना है, कुछ चेंज करना है, तो थोड़ा सा बफर रहना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले बोल दिया कि रैम इसमें वल्कन लगी है, बट इसमें डेल्टा लगी है भाई, 8GB रैम है, और 8GB रैम जो है वो 16GB की एक स्टिक लगी है, मतलब कि टोटल 32GB रैम है। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, टोटल 32GB रैम लगी है, 16GB नहीं लगी, और 8GB रैम है, वाइट कलर में यूज़ करी गई है इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए। अब रह क्या गया, रह गई है कैबिनेट, जो कि इस पूरे सेटअप में इस पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है, बट फिर भी अच्छी है क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं। तो Seconds later. तो 690 एयर है, 3 फैन सामने आते हैं, 8GB फैन है, बटन से भी कंट्रोल कर सकते हो, और पीछे किसी प्रकार का फैन नहीं आता, एग्जॉस्ट में फैन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कैबिनेट का प्राइस 6000 रुपये है, इस बिल्ड के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कैबिनेट है, आप चाहो तो थोड़े से छोटे कैबिनेट के अंदर भी इस बिल्ड को कर सकते हो, 2-3 हज़ार रुपये आपके सेव हो जाएंगे उसमें। तो ओवरऑल पीसी बिल्ड वैल्यू है 80,000 रुपये की, जिसमें पूरा का पूरा हमने रेडी किया है और शिपिंग भी इसी में ही है। तो टोटल जयेश भाई को शिपिंग, इंश्योरेंस, पीसी बिल्ड और डैमेज प्रूफ पैकेजिंग सब कुछ करके 80,000 रुपये का पड़ा ही है। कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है, 2-4-5 हज़ार रुपये मैक्सिमम इसके ऊपर और सेव कर सकते थे, बाकी तो और मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ में ऐसी कोई गुंजाइश है। तो ऑन दिस नोट आई होप कि यहाँ तक आप वीडियो अगर देख ही रहे हो तो वीडियो पसंद है आपको और हमारे चैनल को रेगुलरली आप फॉलो करते रहते हो, बस अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही देखते रहो JetLab Tech Tips को। तो मैं फ्रॉम JetLab Technologies, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इसी साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।